जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदिवासियों की। देखिए, आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी। भारत में इनकी संख्या 8.6% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो करीब 10 करोड़ हुई। ये सबसे ज़्यादा मिजोरम में पाए जाते हैं, उसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इनकी संख्या बहुत है। 1871 से लेकर 1941 तक जो अंग्रेजों द्वारा जनगणना की गई, उसमें इनका अलग धर्म होता था जिसे ट्राइब्स कहते थे। लेकिन आज़ाद भारत की जो पहली जनगणना थी 1951, उसमें इनको हिंदू धर्म के अनुसूचित जनजाति में रखा गया, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें सूर्य की, नदी की, पेड़ की और पहाड़ की आराधना किया करते थे। कि ये लोग बहुत सी जनजाति और उप जनजाति में बटे हुए, इसलिए इन लोगों की भाषाएं भी अलग अलग हैं। संविधान की जो 8वीं सूची में 22 भाषाओं को रखा गया, इसमें मात्र इन लोगों की 2 भाषाएं हैं, एक संताली दूसरी बोडो। कुछ आदिवासी तो अलग धर्म की ही मांग कर रहे हैं, जैसे झारखंड के जो आदिवासी हैं वो सरना नामक धर्म की मांग कर रहे हैं और वहाँ की सरकार ने भी इसे मंजूर कर लिया है, लेकिन केंद्र की मोहर लगना अभी बाकी है, क्योंकि ये लोग अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं, इसलिए इन्हें हिंदू मैरिज एक्ट से भी दूर रखा गया है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सरकार को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि इन लोगों पे वो लागू होती है कि नहीं। भारत को आज़ाद कराने में बिरसा मुंडा, तिलका मांझी जैसे क्रांतिकारी भी आदिवासी ही थे, लेकिन ये लोग आज बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनका मुख्य काम जैसे कि किसानी और मजदूरी ही है। कि ये लोग इतने अशिक्षित थे कि इनके पास अपना लिखित इतिहास भी नहीं है, कुछ के पास अपना घर भी नहीं है। जो जंगल में रहते हैं उनका अपना घर तो है, लेकिन उस घर का कागज भी नहीं है। इस समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। ये लोग गरीबी से इस कदर जूझ रहे हैं कि कुछ को तो कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता है। MP में अलीराजपुर एक ऐसा जिला है जो आदिवासी बहुल है और वो देश के सबसे गरीब जिलों में से एक है। यही कारण है कि इन्हें सामाजिक मतभेद का सामना करना पड़ता है, जैसे MP में पेशाब काट, हाल ही में हुई ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना थी। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई कमजोर है तो उसका सहयोग करें, ना कि उससे मतभेद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे और अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। और आप लोगों का एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।